भारत देश में कोरोना से कितनी मौतें हुई है, इसका वास्तविक डाटा क्या है, कोई नहीं जानता। जो आंकड़े केंद्र सरकार दे रही है उन पर ना तो आम लोगों को भरोसा है और विपक्ष तो पहले से ही इन आंकड़ों को झूठा बता रही है। लेकिन अब हो सकता है कि केंद्र सरकार की नींद उड़ जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता इन दिनों एक मुहिम चला रही है जिसका नाम है आउटरीच सर्वे महाभियान। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे का साथ दे रहे हैं लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू। इस अभियान के तहत वे सरकार को बताना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने सर्वे का आंकड़े बताए हैं वो असल में कितने सही हैं और कितने गलत। इस सर्वे की शुरुआत झारखंड सहित पूरे देश में शुरू होने जा रही है। इसका आयोजन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। आउटरीच सर्वे महाभियान का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित लोगों, मृतक परिवार और कोविड से रोजगार खोने वाले सदस्यों का डाटा इकट्ठा करना है। आलोक दुबे का कहना है कि सर्वे अभियान के दौरान कोरोना से प्रभावित परिवारों को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की ओर से शोक पत्र दिए जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि सर्वे के लिए उन्होंने 10-10 कोरोना योद्धाओं की एक टीम बनाई है जो पूरे महीने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कर आंकड़े रिकॉर्ड करेगी। इस सर्वे में शहरी इलाकों से ऑटो चालक, बैटरी रिक्शा चालक, मैकेनिक, घरेलू कामगार, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इसमें डिलीवरी बॉय, प्लम्बर मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, मैकेनिक, स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी, ठेला खोमचा वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, श्रमिक, धोबी, लोहार, बुनकर, कुम्हार, बढ़ई और स्कूली शिक्षक के लक्ष्य समूहों की वास्तविक स्थिति की पहचान की जाएगी कि इनमें कितने परिवार हैं जिन्होंने इस आपदा में अपनों को खोया है। वैसे कांग्रेस के इस काम को देखकर हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी की नींद उड़ जाए।